मैं हूँ सुनीता। वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, पास्ता तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन आज मैं आपको परफेक्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बताने वाली हूँ ये व्हाइट सॉस पास्ता, जिसे बनाने में आपसे कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए मैंने 2-2.5 ग्लास पानी को एक पतीले में डाला है बॉईल करने के लिए। इसमें मैं डालूंगी नमक 1/2 चम्मच और 1 चम्मच डालूंगी मैं इसमें कुकिंग ऑयल और मैं डालूंगी 2 कप पास्ता। इसे हम 8 से 9 मिनट तक बॉईल करेंगे। 90% हमें इसे बॉईल कर लेना है। पास्ता हमारा 90% बॉईल हो गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, और इस पानी को हम रख लेंगे, उसका बाद में यूज करेंगे। अब हम वेजेस का मिक्सचर बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया एक फ्राई पैन और इसमें मैं डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही मैं डालूंगी इसमें लहसुन की कलियाँ फाइन चॉप। मैंने 10-12 लहसुन की कलियों को फाइन चॉप कर लिया है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इस पॉइंट पे मैं डालूंगी इसमें मोटा मोटा कटा हुआ गाजर। मैंने एक छोटे साइज के गाजर को थोड़ा मोटा मोटा काट के लिया है। इसको हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी एक प्याज, इसे मैंने ऐसे स्लाइस में थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। साथ में मैं डालूंगी 1 शिमला मिर्च छोटे साइज को, इसको भी मैंने काट लिया है। और 1/2 कप के करीब मैं डालूंगी स्वीट कॉर्न, इसे मैंने बॉईल करके ले लिया है। इसको हम थोड़ा भूनेंगे। सब्जियों में क्रंच रहना चाहिए, ये सोगी नहीं होनी चाहिए सब्जियां हमारी। इसमें मैं डालूंगी मिक्सर 1/2 चम्मच के करीब। साथ में डालूंगी काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1/4 चम्मच, थोड़ा सा नमक। और इसे हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। वेजीज हमारी कुक हो गई है, इनको अब हम रखेंगे साइड में और अब बनाएंगे व्हाइट सॉस। गैस का फ्लेम मैं बंद करूंगी। व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच बटर। बस ये ध्यान रखिए, जितना आप बटर लेंगे उतना ही हमें लेना है मैदा। मैंने 2 चम्मच लिया है मैदा और इसको हम अच्छे से भून लेंगे, इसका कच्चापन पूरा निकल जाए। मैदा को हमने अच्छे से भून लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप रूम टेम्परेचर पे दूध। दूध हमें कम लगेगा तो हम बाद में और डाल लेंगे, पहले हम 1 कप ही लेंगे। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इसमें कोई लम्स ना रहे। इसमें मैं 1/2 कप और डालूंगी दूध। मैंने टोटल 1.5 कप डाला है इसके अंदर दूध। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें मिक्स हर्ब्स और साथ में मैं डालूंगी इसमें चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच के करीब। इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें मैं 2 डालूंगी चीज की स्लाइसें। आप इसकी जगह प्रोसेस या मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसकी कोटिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस
सॉस हमारा अब रेडी है। इस पॉइंट पे मैं डालूंगी इसके अंदर वेजीज। और साथ में मैं डालूंगी इसके अंदर पास्ता। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप एक बार बना लेंगे ना तो इसे बार बार बनाएंगे। इतना यमी बनता है व्हाइट सॉस पास्ता, और बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे इसे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मिनट हम और कुक करेंगे। इस पॉइंट में मैं डालूंगी पास्ता वाला पानी जो हमने रख दिया था पास्ता उबालते समय। पास्ता के पानी से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। इस पॉइंट पे आपको नमक के सीजनिंग में कमी लग रही है तो आप चेक कर सकते हैं और डाल सकते हैं इसके अंदर। और यदि आपका सॉस गाढ़ा लग रहा हो तो थोड़ा सा उसके अंदर आप दूध मिक्स कर दें। अब हमारा पास्ता रेडी है। गैस का फ्लेम मैं बंद करूंगी और इसे सर्व करूंगी। देख रहे हैं ना इसकी कैसी कंसिस्टेंसी, कितना यमी लग रहा है। ये आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चाहते हैं कि इस तरीके की और भी नई नई रेसिपी मैं आपके लिए लगातार लेके आती रहूँ तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा कर ऑल करें ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।